कनेक्शन देने में लाभार्थी से 25-25 मीटर तार देने पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लिया संज्ञान। प्रकरण की जांच के लिए सीडीओ को दिया निर्देश। स्कूली बच्चों की मौत से सहमा गोरखपुर, शुक्रवार को खुद ही गार्जियन लेकर पहुंचे अपने बच्चों के स्कूल, कहा डर लगता है अब स्कूली ड्राइवरों से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, विधि विधान से विवाह संपन्न कराने के दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे की 3 सदस्यीय टीम करेगी कुशीनगर घटना की जांच, 9 दिनों के भीतर देगी रिपोर्ट, CPRO संजय यादव ने दी जानकारी। सिटी मॉल में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दी यातायात नियमों की जानकारी, SP ट्रैफिक ने कहा थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है दुर्घटना का कारण। जिलाधिकारी ने BRD मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों के धीमी गति पर जताई नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन है जारी, DM को सौंपा ज्ञापन। 13 बच्चों के दर्दनाक मौत की पेंटिंग के माध्यम से दी गई श्रद्धांजलि, चित्रकार ने उकेरा मार्मिक घटना का सजीव चित्रण। एक महिला सामाजिक संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर कुशीनगर घटना में मारे गए मासूम बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता पंजीकरण तथा सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। ऑल इंडिया गाइड काउंसिल के पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल पदाधिकारी का हुआ चुनाव संपन्न। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आदर सत्कार के साथ की गई शब्द और अरदास। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक RP सिंह ने किया ऐलान, खिलाड़ी खेल में दिखाई अपनी प्रतिभा, मिलेगी अच्छी नौकरी और सम्मान। और अंडर 19 सेलेक्शन मैच में गोरखपुर A ने देवरिया को 2 विकेट से हराया।